हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ डायरी का एक पन्ना की प्रश्न उत्तर। सुविचार, मृत्यु भी हमारे अच्छे कर्मों को मिटा नहीं सकती। पहला प्रश्न, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो उत्तर है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन भारतवासियों को आज़ादी से पहले दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाना था, जिसमें कलकत्ता के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर दो है, सुभाष बाबू के जलूस का भार किस पर था? तो उत्तर है, सुभाष बाबू के जलूस का भार पूर्णोदास जी पर था। यदि ब्रिटिश पुलिस सुभाष बाबू को गिरफ्तार करती तो पूर्णोदास जी को ही जुलूस की अगवाई करनी थी। तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो उत्तर है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जैसे ही झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों को लाठी मारकर हटा दिया। प्रश्न नंबर चार है, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहरा किस बात का संकेत देना चाहते थे? उत्तर, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि अब वह अंग्रेजों के राज से आज़ाद हैं और उनका दबाव या प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे। प्रश्न नंबर पाँच, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया? उत्तर है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को इसलिए घेरा था ताकि भारतीय स्वतंत्रता से पहले मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस को ना मना सकें और झंडा ना फहरा सकें। लघु उत्तरी प्रश्न, 26 जनवरी 1931 का दिन अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तो उत्तर है, 26 जनवरी 1931 का दिन यादगार या अमर बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया। कलकत्ता के प्रत्येक घर में और भाग में झंडे लगाए गए और कुछ घरों को तो ऐसे सजाया गया मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। जिस रास्ते से मनुष्य गुजरते उनमें उत्साह और नवीनता दिखाई दे रही थी। प्रश्न नंबर दो, आज जो बात भी मैं निराली थी, किस बात से पता चल रहा है कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए, आज जो बात थी वह निराली थी। यह बात पूरे पाठ को पढ़कर स्पष्ट हो जाती है। आज का दिन इसलिए निराला था क्योंकि आज के ही दिन आज़ादी से पहले भारतीयों ने दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस मनाना था, जिसमें कलकत्ता वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हर भाग को झंडों से सजाया गया था। लोगों के मन में एक उत्साह और नवीनता की भावना थी। प्रश्न नंबर तीन है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसलिंग के नोटिस में क्या अंतर था? तो बच्चों, पुलिस कमिश्नर के नोटिस में निकला था कि कोई भी जनसभा करना, जुलूस निकालना कानून के खिलाफ होगा। सभा में भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा, जबकि काउंसलिंग के जो नोटिस था वह इस नोटिस के खिलाफ था। इस नोटिस में निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। प्रश्न नंबर चार है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि पुलिस ने दोबारा डंडे चलाने शुरू कर दिए थे। सुभाष बाबू को पकड़ने के बाद पुलिस ठंडी पड़ी थी तो स्त्रियां जुलूस मनाकर वहां से चली, परंतु फिर पुलिस ने डंडे मारने शुरू कर दिए। इस बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। मोड़ पर कुछ स्त्रियां बैठ गई और बाकी जुलूस आगे बढ़ा। इस प्रकार जुलूस टूट गया। प्रश्न नंबर चार है,
डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर रहे थे, उनके फ़ोटो भी उतार रहे थे। उन लोगों की फ़ोटो खींचने की वजह क्या हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर दास गुप्ता ने जुलूस में घायल लोगों की फ़ोटो खींची ताकि भारत के अनेक भागों में रहने वाले लोगों को ब्रिटिश शासन के अत्याचार दिखा सकें और उन्हें भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकें। वह ये संदेश देना चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे हित के लिए कभी कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। दीर्घोत्तरी प्रश्नोत्तर, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो उत्तर है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की अहम भूमिका थी, क्योंकि जब सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार के लोकअप भेजा गया तो स्त्रियों ने उस जुलूस को आगे बढ़ाया, क्योंकि स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई थी और उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हुई। स्त्रियां अपने जुलूस को लेकर आगे बढ़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने मोन्यूमेंट पर जाकर झंडा फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी। हम कह सकते हैं कि अपने जुलूस के द्वारा जो काम सुभाष चंद्र बोस करना चाहते थे, वही काम स्त्री समाज ने साहसपूर्वक किया। क्वेश्चन नंबर 2, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? तो उत्तर, जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलानी शुरू कर दी, क्योंकि वे जुलूस को रोक नहीं पा रहे थे। इसके बाद बहुत सारे आदमी घायल हो गए। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। सुभाष चंद्र बोस पर लाठियां पड़ी, इसके कारण जुलूस तितर बितर हो गया। पुलिस सुभाष चंद्र बोस को पकड़कर लाल बाजार से लॉकअप ले आई। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से ही आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किस के द्वारा लागू किए कानून को भंग करने की बात कही है? क्या कानून भंग करना उचित है? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा लागू किए गए कानून की अमूक अमूक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं की जाएगी। जो सभा में भाग लेते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस कानून के भंग करने की बात की गई है। हमारे विचार से कानून भंग करना अनुचित है, परंतु यहाँ पर भारतीय किसी कानून को नहीं तोड़ रहे, बल्कि अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो इसे हम कानून भंग की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बलपूर्वक अपना गुलाम बनाया और उन पर अनेक तरह से अत्याचार भी किए। इसलिए भारतवासी अपनी आन के लिए लड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व क्यों बताया गया है? आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी आज का दिन अपूर्व है, क्योंकि आज पहली बार भारतीयों ने अंग्रेज़ों को खुली चुनौती देते हुए अपनी आज़ादी से पहले दूसरा स्वतंत्रता दिवस जोश और उत्साह से मनाया। कलकत्ता के लिए प्रत्येक व्यक्ति, महिला और बच्चों ने इसमें पूरी तरह योगदान दिया, जबकि लड़कियों को झंडो उत्सव का मतलब भी नहीं पता, फिर भी उन्होंने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। आज पहली बार यह सब देखकर लगा कलकत्ता या बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि हो सकती है, क्योंकि कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ भारत की आज़ादी के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, वह आज काफ़ी अंशों में घुल गया। आशय स्पष्ट,
आज तो जो हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंशों में घुल गया। तो आशय स्पष्ट में उत्तर लिखने में सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखिए, डायरी का एक पन्ना, लेखक का नाम सीताराम से कसरिया, पुस्तक का नाम स्पर्श गदखंड, आशय प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा लेखक कलकत्ता और कलकत्ता के वासियों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कलकत्ता के प्रत्येक सदस्य ने अपना सर्वस्व नौछावर कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अपने घरों को सजाया, अंग्रेजों से लाठियां खाई, अपने बच्चों को झंडोत्सव का मतलब समझाया और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जगाई, जिससे कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक नहीं है और स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं कर रहे, वह कलंक भी धुल गया, क्योंकि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। दूसरा है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई। उत्तर है, पहले पाठ का नाम लिखिए, आशय स्पष्ट है। डायरी का पन्ना, लेखक सीताराम सिकसरिया, पुस्तक का नाम स्पर्श, आशय प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक भारतीयों के हिम्मत जोश और साहस का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज से पहले भारतीयों ने अंग्रेजों के शासनकाल में इस प्रकार खुली चुनौती देते हुए किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। सभी क्रांतिकारी गतिविधियां गुप्त रूप से की गई थी, परंतु आज उन्हें समय बताकर और स्वतंत्रता दिवस मनाया और साथ ही उन्हें चुनौती भी दी कि आप हमें रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए।